आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे एंड में बहुत बड़ी हमें सीख मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी। जहाँ उसने अंडे दे रखे थे, उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडे में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उनके कामों को करता जैसे कि एक मुर्गी करती है। वह मुर्गी की तरह कुकड़ुकू जमीन खोदकर दाने चूकता और वह इतना ही ऊँचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ पाती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंची उड़ रही है और शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने माँ से पूछा कि क्या हम उतनी ऊँची नहीं उड़ सकते। मुर्गी बोली, तुम इतनी ऊंची नहीं उड़ पाओगे क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की ज़िंदगी जीते हुए एक दिन मर गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा को बदल देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप को पहचानें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कैसी लगी ये एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।